हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू चैम्प लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस आपके एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी जो है कि अगर कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले से नहीं करके वो क्या करते हैं, एक दिन पहले तैयारी करते हैं। तो एक दिन पहले जो तैयारी करने वाले लोग हैं, मोस्टली वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि एक दिन पहले आपको इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। जैसे कल से जो आपके आईआईटी जेई के एग्ज़ाम है, 6 तारीख से आपके 20 तारीख तक एग्ज़ाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसका अलग से मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो है वो कॉमन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मैंने ये रेडी किया एक वीडियो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो एक दिन में कैसे करें एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम समय से पहले हर एक विद्यार्थी अपना कोर्स तो खत्म कर ही लेता है, परंतु यदि वह बार बार रिवीजन नहीं करता तो वह पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप बीच बीच में टॉपिक्स को आगे में बढ़ाकर पहले का पढ़ा हुआ रिवीजन करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे स्कूल कोचिंग में क्या होता है, टीचर जल्दी जल्दी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने में लगे रहते हैं, और वो उस चक्कर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको साथ साथ में कवर करते रहते हैं, लेकिन जो पीछे वो पढ़ते रहते हैं वो भूल जाते हैं। तो वो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले जब हम अपना कोई सब्जेक्ट खोलते तो हमें ऐसा लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसका उत्तर क्या होएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और अपन क्या होता है अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उस चक्कर में। और यही हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह से में सही मेहनत करते हैं और अपनी क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक ही समस्या होती है कि पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि समय समय पर रिवीजन करना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी जिनसे आपको कम ही समय में या एक ही दिन में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आप जो आपने पढ़ा है अब तक वो आपको कैसे याद रहे, और आप किस तरह से आपके जो एक दिन पहले आपको जो क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो यदि हमारे आसपास एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है और उसी में हमें एक सब्जेक्ट को सभी पाठों की तैयारी करनी है, सारे लेसन एक साथ पढ़ने, सारे टॉपिक्स एक साथ कवर करने हैं, तो ये परिस्थिति हम सभी को तनावपूर्ण कर देती है कि भाई 24 आवर्स में आप कितना पढ़ सकते हो, मतलब कि सारे चैप्टर एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे। सारे जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें तो अपन को 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो आप 10-10 लेसन भी मानो तो भी 30 लेसन होते हैं, तो 24 आवर्स में 30 लेसन तो बहुत, मतलब कि देख भी नहीं पाओगे आप कंप्लीटली उसको, तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा सकती है यही चीज़ कि भाई इतना सारा पढ़ना है और आप कैसे पढ़ोगे उसको, जिससे हम एग्ज़ाम के दौरान क्या होता है ऐसा फील करते हैं कि हम मतलब कुछ नहीं आ रहा हमें, कि हमें परीक्षा में कुछ आ ही नहीं रहा। और इस समस्या समाधान के लिए आपको ऐसे टिप्स बता रहे हैं कि जिनमें से आप 24 आवर्स में आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर पाएं। तो पहला जो टिप्स है अपना ये कि शांत रहें, अपने दिमाग को मतलब आप कूल रहें। यदि आपका कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, ताकि आपके जो दूसरे जो टॉपिक बचे हैं उनको एटलीस्ट वो याद रख सकें आप, क्योंकि आपके पास समय इतना नहीं है तो कि आप सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ सकें, और आप यही सोचते हैं कि इतने कम समय में सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे। तो याद रखें, यदि आप ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो आप एक ही दिन परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी टॉपिक में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उस पर टिक कर लीजिए, और जब आपका रिविज़न खत्म हो जाए तो आप इस टॉपिक को नेट पर या किसी और अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। केवल सोचने पर ही अपना टाइम ख़राब ना करें, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको 2 मिनट में क्लियर करने के लिए क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी है, अपने टीचर की हेल्प लेनी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, ना कि उसमें उलझें। यदि आप परीक्षा की तैयारी करने से पहले तनाव महसूस करते हैं तो आप 15-20 मिनट का जरूर ब्रेक लें, और इस 20 मिनट में आप कोई अपने मनपसंद चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एकांत जगह को चुने। आज आप कल होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह को चुने जहाँ शांति हो, ऐसी जगह पर पढ़ाई ना करें जहाँ पर टीवी रेडियो सब कुछ चल रहा हो। यदि आप किसी शांति जगह पर बैठेंगे और पढ़ेंगे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जितना भी आप टाइम देंगे वो आपको मतलब यूटिलाइज होगा, और आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको याद होगा। अध्ययन है तो सब सारा सामान जो अपने पास रखें, जो कि नोट्स हैं आपके, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो भी आपको जो रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं, पेन पेंसिल जो भी हैं वो अपने पास रखें, ताकि आपको बार बार उठ उठ के जाना नहीं पड़े। इससे क्या होता है कि अपना ध्यान भटक जाता है, अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या कॉन्सेंट्रेशन अपना ख़राब हो जाता है वहाँ पर। तो बार बार उठने की जगह आप क्या करें, सारा सामान एक साथ लेके बैठें खुद, और ये जो भी एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती हैं ना, मोबाइल लैपटॉप, ये एक दिन के लिए उसको भूल जाएं कि आप कल एग्ज़ाम है, तो आज अपन को बिल्कुल भी लैपटॉप मोबाइल बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो प्लीज़ अपने लैपटॉप मोबाइल जो भी टीवी वगैरह जो भी है आपके उनको दूर रखें। गेम अपन एक दिन बाद में भी खेल सकते हैं, मोबाइल टीवी सब अपना वहीं पर है, कहीं नहीं जाने वाले, तो इन सब चीज़ों से जो है
डिस्टर्बेंस होता है, साथ में अपने दिमाग में बहुत सारी फालतू की चीज़ें चलने लग जाती है कि कोई कुछ भी देख लिया आपने, या कुछ भी मतलब मोबाइल में कुछ देख लिया, किसी की अपडेट देख लिए, तो फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में चलती रहती है और वो आपकी डिस्टर्बेंस को प्लस आपके कॉन्सेंट्रेशन को दोनों को ख़राब करती है। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जैसे परीक्षा के एक दिन पहले कोई नया टॉपिक ना पढ़ें। अब जैसे सारे टॉपिक्स हो गए, आपने 10 में से 9 कवर कर लिए, तो आप 10th में भी उलझे रहे ताकि उसमें 2-4 घंटे लग जाएं, और आपके जो बचा हुआ टाइम मतलब उससे वही होगा कि आपको जो एक टॉपिक के चक्कर में आपके सारे टॉपिक्स ख़राब हो सकते हैं। तो उसमें उलझे नहीं, वही मैंने पहले बताया आपको कि उसको उलझने की जगह आप उसको इतना टाइम दें, बस सबसे लास्ट में टाइम दें। अगर आपका टॉपिक कोई कवर नहीं हो रहा तो सबसे लास्ट में दें, ताकि पहले आपके सारे जो क्लियर हैं उसका रिवीजन करें और उसके बाद में उस टॉपिक को छेड़ें, ठीक है। किसी भी टॉपिक को रटे नहीं याद, किसी भी टॉपिक को रटना शुरू करते हैं तो आपके उस समय तो वह टॉपिक रहेगा याद, लेकिन बाद में एग्जाम के टाइम आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए रटे नहीं, उसको समझें। एग्जाम हो, अपने अपने खुद के शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं पहले से ही, कि आपकी जो एक शॉर्ट ट्रिक, अगर आप कुछ भी कोई नया टॉपिक अगर कुछ पढ़ रहे हैं आप, तो उसको क्या करना है, आपको नए टॉपिक को आपको शॉर्ट ट्रिक में याद करना, ताकि आप उसको अटेम्प्ट भी करें तो आपको कुछ याद रहे और उसमें आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। खुद एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी दोस्त से किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस ना करें, नहीं खुद को जज करें, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा सकता है, और उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो फिर आपके एग्जाम में फिर आपके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एग्जाम हॉल में स्ट्रेस फील ना करें, ऐसा सोचिए कि आप पूरा प्रश्न पूरे अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दें, और ये याद रखें कि हमें पूरा क्वेश्चन आते हैं, मुझे आंसर आते हैं, बस ये कॉन्फिडेंस रखें। एग्जाम से पहले आपको मतलब अच्छे से सोए, आराम से, मतलब कि ऐसे थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप वैसे ही सब कुछ भूल जाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिसको आप फॉलो करें अपने एग्जाम्स के टाइम में। अभी जो जनवरी से अभी बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो ये सारे सिर्फ इसीलिए नहीं कि कंपटीशन जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसी के लिए नहीं, जो बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो इन एग्जाम्स सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस पे का ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ताकि आप तक ऐसे अपडेट्स पहुँचते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।